जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कामुकता। ये मुख्यतः एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। हम खास करके जब माइंड में हर वक्त सेक्स के संबंध में सोचते रहते हैं दोस्तों, इसे ही हम कामुकता कहते हैं। इससे होता क्या है, हम ये जानते हैं। सबसे पहले, जब हम किसी भी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे माइंड में उसके प्रति पहले से ही अवधारणाएं बनने लगते हैं। हम माइंड से ही करने लगते हैं कि अब मैं ये करता तो ये होता, वो होता, वो होता, जिससे कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो पहले से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जब हम सहवास की तरफ बढ़ते हैं, जब हम संभोग करने जाते हैं, तो जल्दी स्खलित हो जाते हैं। इसे ही हम कामुकता कहते हैं। माइंड में हर वक्त सेक्स का चलना, हर वक्त अपोजिट सेक्स के बारे में सोचते रहना, सेक्स के ही बारे में सोचते रहना ही कामुकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर वक्त सेक्स के संबंध में ना सोचते रहें। जब जाएं तो फोर प्ले से स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंट रहें। हर वक्त उसके संबंध में नहीं सोचना चाहिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्स कोई हवा, कोई बीमारी नहीं है, नेचर ने आपको दिया हुआ है, आप बहुत बेहतर सेक्स कर सकते हैं। बस आपको अपनी मन पे काबू रखना है, आपको ज़्यादा उसके संबंध में कुछ नहीं सोचना है। ये खुद एक ऐसी अनुभूति है जिसको आप फील करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक रास्ता दिखाता जाता है, आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें। आप सहजता से आगे बढ़िए, माइंड में ना लीजिए कि मैं ये करता तो वो हो जाता, ये करता तो वो हो जाता, फिर आप दिक्कत में आ जाते हैं। क्योंकि माइंड में अगर हर वक्त आपके वही बातें चलेंगी तो आपका वीर्य जो है वो बहुत जल्दी स्खलित हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने पार्टनर के सामने। तो बस आपको कामुक नहीं होना है, अति कामुक होना आपके लिए भारी पड़ता है। हाँ, कामुक होना भी जरूरी है, अगर कामुक नहीं होंगे तो फिर सेक्स का आनंद कैसे लेंगे। लेकिन अति कामुक नहीं होना चाहिए, हर वक्त सेक्स के संबंध में नहीं सोचते रहना चाहिए। बस जब सामने पार्टनर हो उस वक्त आप प्यार से उनके साथ फोर प्ले स्टार्ट कीजिए, बातें स्टार्ट कीजिए, फिर उसमें नॉर्मली आप सहजता से आगे बढ़ते जाइए। आप कभी भी जल्दबाजी ना दिखाएं, सेक्स में जल्दबाजी जो होती है वो आपको ऑलवेज लॉस देने वाली होती है। जल्दबाजी करेंगे आप कुछ ढंग से कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि जल्दबाजी ना करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।